ठीक है फ्रेंड। अब इसके आई एम ई नंबर भी चेक करते हैं, *H06H, ठीक है फ्रेंड, इनवैलिड 0। तो ठीक है फ्रेंड, इसके आई एम ई रिपेयर करेंगे। तो यहाँ मैं सिम भी डाल देता लेकिन इसमें कोई नेटवर्क नहीं आता, इसलिए मैं डालना नहीं चाहता फ्रेंड। तो इसके आई एम ई रिपेयर करेंगे, टूल कट कर देंगे यहाँ पे फ्रेंड, और ये टूल ओपन करेंगे। तो मेरे पास क्वालकॉम वाला टूल है, ठीक है फ्रेंड, और इसको ए डी बी में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड, चालू मोड में इसको कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड। पी सी में ए डी बी ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए फ्रेंड। फ्रेंड ये टूल में ये जो फोन दिख रहा है यहाँ पोर्ट शो नहीं करेगा जब तक मोबाइल पी सी से कनेक्ट नहीं होगा फ्रेंड। अगर यहाँ पोर्ट सेलेक्ट कर हो गया तो फ्रेंड मान के चलो हमारा आई में रिपेयर भी हो गया। इसको चालू हालत में कनेक्ट करना फ्रेंड, ठीक है, फिर वापस ओपन करेंगे, यहाँ फॉर्म दिखाना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। यहाँ फॉर्म नहीं दिखाया तो फ्रेंड आई में रिपेयर नहीं होंगे। तो इसके ड्राइवर पूरे इंस्टॉल होने चाहिए पी सी में, ठीक है फ्रेंड। ये फॉर्म आ गया फ्रेंड, ठीक है, दिख गया फ्रेंड फॉर्म। तो यहाँ पे आई में नंबर पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड मैंने पहले ही कॉपी कर रखा था, आई में नंबर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ स्टार्ट दे देंगे। जो है आई में नंबर इसके सक्सेस हो गए पास, वन क्लिक में आई में नंबर रिपेयर हो गए फ्रेंड। और मोबाइल को क्या करना फ्रेंड, अब चेक नहीं करना है, आप मोबाइल की बैटरी निकालेंगे फ्रेंड और फिर चेक करना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसके आई एम नंबर चेक करेंगे, *806/06H, ठीक है फ्रेंड, ये आई एम नंबर इसके रिपेयर हो गए।